मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल के लेक्चर में आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसकी कुछ हमने टाइप्स देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। आपने पढ़ा था कल रेट दो तरह के पढ़े थे बेटा। फर्स्ट वन इज एवरेज रेट एंड सेकेंड इज इंस्टेंटेनियस रेट। आपको बताया था एवरेज रेट बिटवीन टू टाइम स्लॉट्स के बीच में होता है, टू टाइम इंटरवल्स के बीच में, है ना बेटा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डीसी बाय डीटी से। इसी तरह से यहां पे बताया था आपको पर्टिकुलर एट दैट इंस्टेंट, उसी पर्टिकुलर उसी टाइम के ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं तो आपका बनेगा इंस्टेंटेनियस रेट बेटा जी, अदरवाइज कहलाएगा एवरेज रेट। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा सी बाय डेल्टा टी से। उसके अलावा आपने यूनिट पढ़ी थी, यहाँ पे यूनिट आपको दिख रहा है कंसंट्रेशन बाय टाइम है बेटा, तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आफ्टर दैट आपने पढ़े थे फैक्टर्स, किस किस के ऊपर रेट डिपेंड करता है। हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा था बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकेंड पढ़ा बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड पढ़ा बेटा स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फोर्थ पढ़ा बेटा सरफेस एरिया, फिफ्थ आपने पढ़ा रहा जी टेम्परेचर, सिक्स्थ आपने पढ़ा रहा जी कैटलिस्ट, और सेवेंथ आपने पढ़ा प्रेशर, ठीक है। तो यहां तक आप पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रेट लॉ। रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे बेटा रेट लॉ से पहले आप लॉ ऑफ मास एक्शन को स्टडी करते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे है ये, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन से डिराइव किया गया है बेटा आपका रेट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। एक एग्जांपल ले रही हूं मैं, ए की ए प्लस बी की बी गिव्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है बेटा जी, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट आपकी यही है बेटा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसकी बेटा जी, रिएक्टेंट्स की। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर, आपके रिएक्टेंट्स आपको दिख रहे हैं कौन कौन से हैं बेटा, ए और बी, उनकी मोलर कंसंट्रेशन आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हो, स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं बेटा जी, उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगी कॉमा रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट।
सिर्फ इतना ही नहीं होगा बेटा जी, ए की पावर कितनी है, ए की कंसंट्रेशन कितनी है, कोफिशिएंट ए, तो यहां पर ऊपर पावर ए बन जाएगी और बी की कितनी है बेटा जी, बी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट जो है वो आपके मोलर कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल है ऑफ द रिएक्टेंट, जिनकी जो पावर है वो क्या है, कोफिशिएंट से। तो दिस इज योर लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है बेटा जी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, पहली बात, डू नॉट डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। बेटा जी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ आपकी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो डिपेंड ऑन ओनली कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट लॉ निकालते वक्त रिएक्शन का बैलेंस होना क्या है बेटा जी, बहुत ही जरूरी है। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट गलत हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट ए और बी, जो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी है, उनकी वैल्यू अलग आएगी बेटा जी, और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें आपको याद रखनी है कि रेट लॉ निकालते वक्त आपकी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए और वो सिर्फ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। दिस इज योर अबाउट रेट, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। आगे देखते हैं, That is rate law. अब rate law कहता है बेटा A का A plus B का B gives product. तो same यहाँ पर भी same है, rate is equal to, sorry, rate is directly proportional to A into A B. तो आधी definition same आएगी बेटा, क्या कहेंगे, rate is directly proportional to प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेज टू द पावर ऑफ एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट। अब इसमें फर्क क्या है बेटा, मैंने लिया CH3COOH ने और मैंने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया बेटा जी, क्या किया बेटा जी, हाइड्रोलिसिस, ठीक है बेटा। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका बन जाएगा CH3COOH प्लस प्लस NaOH, ठीक है बेटा जी। सोचने वाली बात यहां पर ये है बेटा कि H2O का अमाउंट अगर कम होगा तो भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और अगर ज्यादा होगा तो भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, मतलब H2O के अमाउंट से मेरे प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाइड्रोलिसिस के अंदर वाटर थोड़ा हो तो भी आयंस डिसोशिएट होकर आपका प्रोडक्ट बना देंगे, वाटर कम हो तो भी आयंस डिसोशिएट होकर आपका प्रोडक्ट बना देंगे। तो मतलब कि H2O के अमाउंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एज अ रिजल्ट यहां पर अगर मैं रेट लिखूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
CH3COOn ने की पावर बन बैलेंस है बेटा। उसके बाद H2O की पावर बन, तो H2O पे मेरा रेट डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। तो रेट मेरा सीधा सीधा बन जाएगा, दैट इज CH3COOn। आपको समझ आ गया होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन आपको थ्योरिटिकल वैल्यू देता है, बेस्ड ऑन थ्योरी बेटा। थ्योरी में बैलेंस कर दी, रिएक्शन बैलेंस होगी, दैट्स इट। जबकि रेट लॉ आपको रेट देता है बाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन डिपेंड्स ऑन थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन, वेयर इज रेट लॉ डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन। तो दिस इज अबाउट योर रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। आगे देखते हैं बेटा जी, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रेट और रेट कॉन्स्टेंट। स्पेसिफिक रेट और रेट कॉन्स्टेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, प्लस बी का भी गिव्स यू प्रोडक्ट। तो यहां से रेट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा जी? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? ए की बोलो अल्फा। अभी मैं एक ऐसी एक्सप्रेशन ले रही हूं जिसमें रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों वैलिड है, ठीक है? ए की ए, बी की बी। अब बेटा जी ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है? कोफिशिएंट। तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की ए इंटू बी की बी। क्लियर बेटा जी? के इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट या फिर रेट कॉन्स्टेंट। तो रेट के इक्वल के कब आएगा? जब मेरी ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों क्या हो जाएंगी बेटा? वन। तो रेट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए बेटा, के इंटू, मैंने ए की कंसेंट्रेशन और बी की कंसेंट्रेशन को वन मान लिया। वन रेस टू तो पावर कुछ भी हो, वन ही होता है। तो रेट इज इक्वल टू क्या आ गया? के। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बन जाएगा बेटा जी? स्पेसिफिक रेट इज इक्वल टू रेट व्हेन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिट। सिंपल आपने क्या किया बेटा? कंसेंट्रेशन ऑफ ई इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ बी। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी, दोनों की मोलर कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा? यूनिटी हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आपका रेट किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज के, स्पेसिफिक रेट के। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रेट कॉन्स्टेंट एंड स्पेसिफिक रेट। अब इसकी बात करते हैं बेटा इसकी यूनिट की, यूनिट ऑफ के। देखिए जरा, रेट इज इक्वल टू क्या है बेटा? के। देन इनटू ए की पावर ए
इंटू बी की पावर बी. रेट इज इक्वल टू के इंटू ए. और बी क्या है बेटा? रिएक्टेंट्स है. तो मैं लिख सकती हूं रिएक्टेंट्स की पावर ए बी, व्हाटएवर कुछ भी हो सकती है. ए प्लस बी में अगर लिखूंगी तो मैंने एन डाल दिया. ठीक है, आप लिख सकते हैं यहां पर पहले ए प्लस बी. तो रेट इज इक्वल टू बन गया के इंटू रिएक्टेंट की पावर एन बेटा. के की वैल्यू अगर मैं निकालू तो रेट डिवाइडेड बाय में रिएक्टेंट की पावर एन बेटा. रेट की कंसेंट की डेफिनेशन क्या है बेटा? कंसेंट्रेशन बाय टाइम राजे इंटू वन बाय रिएक्टेंट. रिएक्टेंट की भी ये क्या है? स्क्वेयर ब्रैकेट कंसेंट्रेशन की पावर एन. कंसेंट्रेशन को ऊपर ले जाइए, कंसेंट्रेशन की पावर वन माइनस एन बाय में टाइम. तो आप लिख सकते हैं कंसेंट्रेशन की यूनिट कितनी होती है बेटा? मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स. कंसेंट्रेशन मोल्स पर लीटर होगी, नीचे से क्या आ गई? सेकंड इनवर्स. तो इसको इस तरह से लिखेंगे, इसकी पावर कितनी है बेटा? वन माइनस एन सॉरी इनटू में सेकंड इनवर्स. तो आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट एन पे डिपेंड करती है बेटा जी. एन क्या है? एन इज इक्वल टू ए प्लस बी, दैट इज सम ऑफ रिएक्टिंग कोएफिशिएंट्स. उसके बाद देखते हैं बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक. ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन. ऑर्डर को समझने के लिए भी आपको रेट लॉ की रिक्वायरमेंट है बेटा जी. तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ. रेट लॉ के अकॉर्डिंगली ए का ए बी की बी इज प्रोडक्ट. रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की अल्फा इंटू बी की बीटा. अल्फा और बीटा क्या है बेटा जी? ध्यान से समझिए. मैंने जो रिएक्शन ली है ए की ए प्लस बी की बी, मैं मान रही हूं यहां पर ए की टोटल कंसंट्रेशन है मोलर ए. कितने मोल्स है? ए. बट आपको मैंने अभी भी बताया रेट लॉ में सारे के सारे मोल्स रिएक्ट नहीं करते बेटा जी. एक्सपेरिमेंटली कुछ कम भी कर सकते हैं, हो सकता है कोई करे भी ना. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था CH3CO Na का, हमने हाइड्रोलिसिस किया था बेटा. तो हाइड्रोलिसिस में जो वाटर था उसका यूज ही नहीं हो रहा था. समझ आई मेरी बात? तो एक्सपेरिमेंटल जो कोफिशियंट होते हैं वो अलग हो सकते हैं और थ्योरेटिकल कोफिशियंट अलग हो सकते हैं. तो मैंने ए एंड बी आपके क्या लिए हैं? एक्सपेरिमेंटल कोफिशियंट. ठीक है बेटा जी. तो मेरा ऑर्डर क्या होगा बेटा जी? अल्फा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ एक्सपेरिमेंटल कोएफिशिएंट्स.
इंक्रीमेंटल कॉफिशियंट्स को आप जोड़ दीजिए, उसका सम देख लीजिए, वो क्या होगा आपका ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो ऑर्डर के बेसिस पे आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़नी है बेटा जी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ध्यान से पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, आपको सिलेबस में इतना ही करना है बेटा जी। आगे थर्ड फोर्थ ऑर्डर भी हो सकते हैं, लेकिन आपको सिलेबस में इतना ही पढ़ना है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। तो इनकी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आगे कॉन्टिन्यू करते हैं। Order does not depend on any concentration of reactant की किसी भी concentration पे order depend ना करे। आप कहोगे ऐसे कैसे, ध्यान से देखिए बेटा, H2 gaseous form में ले लीजिए plus Cl2 gaseous, 2HCl बेटा जी, चाहे इसका ट्रक भर लो चाहे इसका ट्रक भर लो, अगर आप लाइट नहीं देते तो ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगी। इसका मतलब इनकी कंसेंट्रेशन पे रिएक्शन का प्रोसीड होना और ना होना डिपेंड नहीं करता। किस चीज पे करता है बेटा जी, लाइट पे। बात समझ आई मेरी? तो दिस इज नॉन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहां पर इनके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता कंसेंट्रेशन। ठीक है बेटा, तो अगर कंसेंट्रेशन पे अगर आपका ऑर्डर डिपेंड ना करे तो बोलो फटाफट से, उसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यूनिट देख लेते हैं बेटा जी ऑफ जीरो ऑर्डर, ध्यान से देखिए, रेट इज इक्वल टू K इंटू ए की पावर नहीं डिपेंड कर रहा, B की पावर पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो जीरो जीरो। रेट क्या होता है बेटा, कंसेंट्रेशन बाय टाइम इज इक्वल टू K आ गया बच्चा 1:1, कंसेंट्रेशन बाय टाइम मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू K। तो फॉर जीरो ऑर्डर स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट आपकी रेट ऑफ ए रिएक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। तो फॉर जीरो ऑर्डर यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन। क्लियर हुई बेटा जी? सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जब किसी एक के अमाउंट पे डिपेंड करता हो, जैसे मैंने ले दिया H2O2 गिव्स H2O प्लस हाफ ऑफ O2, तो सिर्फ इसी के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू H2O2 की पावर 1 बेटा। तो सिर्फ 1 है ना, तो ऑर्डर इज इक्वल टू डायरेक्ट कितना आ गया बेटा, दैट्स इट, है ना। यहां पर 0 प्लस 0 ऑर्डर कितना था, 0। ठीक है, तो यूनिट की बात करें यहां पर,
रेट इज इक्वल टू के इन टू एच टू ओ टू क्या है बेटा कंसेंट्रेशन डायरेक्ट लिख रही हूं की पावर वन रेट क्या होता है कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू के इन टू इधर भी क्या दिया हुआ है कंसेंट्रेशन से कंसेंट्रेशन कैंसिल के इज इक्वल टू वन बाय टाइम के इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स तो इंपॉर्टेंट है बेटा ये कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कंसेंट्रेशन चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ आपके रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बात समझ आई सॉरी ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन अगर आपका वन हो दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो तो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट सिर्फ किस पे डिपेंड करती है टाइम पे दैट इज सेकेंड इनवर्स ठीक है उसके बाद देखते हैं बेटा जी आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आज का लास्ट टॉपिक है ना जी आपका जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3COCOH5 प्लस NaOH दैट इज स्पॉनिफिकेशन कौन सी रिएक्शन है बेटा स्पॉनिफिकेशन 10th में पढ़ के आए 11th में पढ़ा CH3COONa प्लस C2H5OH रेट इज इक्वल टू क्या कहलाएगा के इंटू CH3COC2H5 इंटू में NaOH इसका भी वन इसका भी वन रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस बेटा जी ध्यान रखना है आपको तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ये भी कंसेंट्रेशन तो कंसेंट्रेशन की पावर टू बेटा वन प्लस वन टू और रेट इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन का स्क्वायर एक कंसेंट्रेशन कैंसिल बेटा जी के इज इक्वल टू वन बाय टाइम इंटू में क्या आ गई कंसेंट्रेशन टाइम के लिए सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स मीटर तो दिस इज द यूनिट फॉर के इन योर सेकंड ऑर्डर इसी तरह से आप थर्ड फोर्थ कर सकते हैं बट दैट्स नॉट इन योर सिलेबस इसके अलावा हमारी कुछ और रिएक्शंस ऑर्डर भी है बेटा दैट इज जस्ट लाइक फ्रैक्शनल आप करेंगे कल या सुडो ऑर्डर रिएक्शन करेंगे तो उस तरह के रिएक्शन ऑर्डर में मैं आपको कराऊंगी कल आज आप यहीं तक कंप्लीट करेंगे कंप्लीट इन योर नोटबुक ठीक है और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे आगे तो थोड़ा सा अच्छे से समझना है ये चैप्टर ठीक है बेटा जी